हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे किचन में। आज गोवर्धन पूजा है। कहते हैं लोग कि गोवर्धन पूजा करने के बाद कोहरा के पत्ते का साग खाना चाहिए, तो मैं आज कोहरे के पत्ते का साग बनाने जा रही हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, मेरी वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन को अवश्य दबाएँ ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ये कोहरा का पत्ता है और उसका फुनगी है। इसको अच्छे से साफ कर लेंगे, इसमें चेक कर लेंगे कीड़ा मकोड़ा कुछ है तो नहीं। और अच्छे से साफ करने के बाद फिर इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। गोवर्धन पूजा के दिन इसका साग अवश्य खाएं, खाना चाहिए। और वैसे इसका साग बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, तो आप एक बार मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ही पसंद आएगा। सभी पत्ते को इसी तरह छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। और फिर कट करने के बाद ये कट हो चुका है सभी, और इसको अब अच्छे से पानी से साफ़ कर लेंगे। तो साफ हो चुका है, कढ़ाई गर्म हो चुका है, इसमें अब पत्ते को डाल देंगे और डाल करके ढक देंगे। 2 से 3 मिनट के लिए इसको ढक देंगे। तो अब 2 से 3 मिनट हो चुका है, इसमें नमक डालेंगे, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। नमक डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको ढक देंगे। ढकने से साग जल्दी पकता है, बहुत ही जल्द पकता है। इसमें पानी नहीं डालना है क्योंकि ये खुद का पानी से पकेगा, ये खुद पानी छोड़ता है। ढक देंगे। 2-3 मिनट के बाद इसको देखेंगे, ये बहुत ज़्यादा पानी छोड़ चुका है, काफ़ी पानी छोड़ चुका है। इसी पानी से साग पक जाएगा। इसको अच्छे से चलाएंगे और चलाने के बाद ढक देंगे। फिर जब पानी अच्छे से सूख जाए तब इसको समझ जाएंगे कि ये साग तैयार हो चुका है, और इसको अच्छे से मिला करके उतार लेंगे। तो पानी सूख चुका है अच्छे से, अब इसको चलाते समय अच्छे से मिलाएंगे, और फिर पानी अच्छे से पूरा सूख जाए तो इसको उतार लेंगे। इसमें लहसुन डालेंगे, पका हुआ लहसुन डालेंगे, हरा मिर्च डालेंगे, बारीक कटा हुआ हरा मिर्च, और 2 से 3 लाल मिर्च को डालेंगे पका करके। इसको मिर्च को तोड़ रहे हैं, तोड़ करके डाल देंगे। और इसमें फिर 2 टीस्पून सरसों का तेल डालेंगे। सरसों का तेल डालने से साग स्वादिष्ट होता है, तो तेल अवश्य डालें और अच्छे से इसको मिला लेंगे। बहुत ही अच्छे से मिलाना है। तो अब साग अच्छे से तैयार हो चुका है, अब आप खा सकते हैं। बहुत ही अच्छा बन चुका है। मेरे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।